पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि धागा कैसे बनता है, तो मैं आज आपको दिखाने जा रही हूँ कि धागे से कपड़ा कैसे बनता है। तो मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखाऊंगी, चलिए मेरे साथ। आप मेरे साथ कैसर अंकल मौजूद हैं, तो हमें बताएंगे कि धागे से कपड़ा कैसे बनता है। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, बेसिकली देर आर फोर स्टेजेस इन टेक्सटाइल। टेक्सटाइल में चार स्टेजेस हैं, जिसमें आपके पास कॉटन से लेकर फैब्रिक बनता है। तो इस वक्त आप ये टेक्सटाइल की दूसरी स्टेज है जिसमें है। पहली स्टेज है स्पिनिंग, दूसरी स्टेज है वीविंग। आप इस वक्त बेसिकली वीविंग में है। इसके बाद आती है डाइंग प्रिंटिंग, और इसके बाद आती है गारमेंट स्टेज। तो अगर हम ये स्टार्ट करें वीविंग से, ये बेसिकली वीविंग का फर्स्ट जो है वो प्रोसेस है, इसको कहते हैं वार्पिंग। बेसिकली इसमें ये धागा हमारे पास आता है कोन शेप में। ये स्पिनिंग की लास्ट प्रोडक्ट है और वीविंग की वेरी फर्स्ट प्रोडक्ट है। तो ये कोन हमारे पास आ गई, ये कोन हमारे पास आ गए, तो इनको हम वार्पिंग मशीन पर लगाते हैं ना। ये एक एक धागा है। अब कोई भी फैब्रिक आप देखें, उसमें 100, 150, 200 बेसिकली धागे होंगे, या 5000 या 10000 धागे। तो ये बेसिकली एक धागा है। अगर आप इसको देखें, ये टेक्सटाइल वीविंग की पहली स्टेज, इसको कहते हैं वार्पिंग। और वार्पिंग में धागा हमारे पास आ गया, इसको हमने मशीन पर लगाकर, तो ये बेसिकली बीम बना लिए, 2, 3, 4, 5 जितने हमें चाहिए। अब हम नेक्स्ट जाएंगे, नेक्स्ट स्टेज में, उसको हम कहते हैं साइजिंग। वो हम आपको जाके साइजिंग दिखाएंगे। ये मेरे ख्याल वार्पिंग आपको जो है वो ये होगी क्लियर अच्छी तरह कि वार्पिंग क्या चीज़ है। वार्पिंग मशीन है हमारे पास, यूरोपियन मशीन। इस पर हम मुख्तलिफ़ किस्म के बीम्स बनाते हैं। ये बीम हमारे पास है, ये अगर आप देखें तो ये बेसिकली वो हम पहले थे वार्पिंग मशीन की बैक साइड पर, अब ये वार्पिंग मशीन का फ्रंट है। ये बीम है, इसमें 800, 900, 1000 स्पीड चलती है। तो ये आप महल आपको ये कैमरा अगर आप इधर लेके जाएं, तो ये मशीन चल रही है और इसमें हम बीम बना रहे हैं, और यही बीम आगे हम साइजिंग में लेकर जाएंगे ताकि उनको मुख्तलिफ केमिकल्स अप्लाई कर सकें। अब हम आगे साइजिंग में जाएंगे। तो बेसिकली साइजिंग में हम धागे के ऊपर मुख्तलिफ केमिकल्स अप्लाई करते हैं। अब सवाल ये है कि केमिकल बेसिकली क्यों अप्लाई करते हैं, ताकि धागे को स्ट्रेंथन करने के लिए हम यहाँ साइजिंग में 3 से 4 केमिकल्स अप्लाई करते हैं, ताकि धागे में इतनी स्ट्रेंथ आ जाए कि वो धागा जब आगे मशीन पर जाए तो वो धागा बेसिकली ब्रेक ना करे। तो इसीलिए हम धागे पर ये मुख्तलिफ 3 से 4 केमिकल्स अप्लाई करते हैं। ये साइजिंग मशीन है, इस पर जो बीम हमने वार्पिंग से बनाए हैं वो यहाँ लोड करते हैं, 10, 12, 14, 15, 20 वो बीम लोड करके इसको हम साइजिंग में जाके साइज बॉक्स में बेसिकली केमिकल अप्लाई करते हैं और फिर आके बीम बनाते हैं। अब हम आप साइजिंग मशीन में लेके जाते हैं। तो मेरे ख्याल में ये आसान अल्फाज में ये वीविंग की दूसरी स्टेज है। टेक्सटाइल की दूसरी स्टेज होगी वीविंग, और वीविंग की दूसरी स्टेज आ गई साइजिंग। ये बेसिकली हमारी साइजिंग मशीन का साइज बॉक्स है। कुकिंग सेक्शन दूसरी तरफ है, जिसमें हम साइजिंग केमिकल को सबसे पहले तैयार करते हैं। तैयार करके थ्रू पंप हम साइज बॉक्स में ले आते हैं, और साइज बॉक्स में वो आप देखिए, अगर धागा उसमें से गुजर रहा है, वो गीला करके उसको साइजिंग मटेरियल ऐड करके ड्राई करके तो आगे बीम बना लेते हैं, और उसी बीम को आगे नेक्स्ट हम लूम पर लेकर जाते हैं। साइजिंग मशीन का हेड है, वो धागे जो हमने वो बीम जो वार्पिंग मशीन पर तैयार किए उनको हमने साइजिंग मशीन पर लोड किया, और 3 या 4 साइजिंग केमिकल अप्लाई करके हमने वीवर बीम बना लिया। और ये बीम तैयार करके इस वक्त आपको कैमरा दिखा सके, तो ये बीम तैयार करके हम रख लेते हैं, और इसको आगे ड्राइंग इन करने के बाद लूम पर ले जाते हैं,
ताकि लूम पर फैब्रिक बनाते हुए हम आपको नेक्स्ट दिखाएंगे। अगली स्टेज पे हम जाएंगे। हमारे पास दो साइजिंग मशीनें हैं, एक यूरोपियन है और एक पाकिस्तानी मेड है। वो यूरोपियन मशीन थी, ये पाकिस्तानी मेड है। तो ये बेसिकली अगर आप उधर बीम बनता हुआ या बीम चलता हुआ आप दिखाएं, तो ये बीम जो है वो इधर मशीन पर चल रहा है और मशीन पर बीम जो है वो हम बना रहे हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेज आपको दिखाएंगे, उसको कहते हैं ड्राइंग इन। ड्राइंग इन का मतलब है कि एक एक धागा लूम की हील्ड वायर और ड्रॉपर में से गुजार कर उसको हम लूम पर लेके जाएंगे। तो लूम पर हम आपको ये जो है फैब्रिक बनता हुआ दिखाएंगे। ये बेसिकली साइजिंग और वीविंग के दरमियान वाली स्टेज है। यह साइजिंग के बाद हमारी दूसरी स्टेज है, इसको ड्राइंग इन हम कहते हैं। आप देखें, ये हम धागा, ये हील्ड वायर, ये फ्रेम्स, पीछे ड्रॉपर, पीछे बीम। तो ये इसको हम ड्राइंग करते हैं मैनुअली। एक एक धागा जो हमने साइज किया हुआ है उसको बाय हैंड एक एक धागा सबसे पहले ड्रॉपर में से पास ऑन करते हैं, फिर हमारे हील्डर आगे ये हील्ड वायर में से पास ऑन करते हैं, फिर हम इसको उठा के लूम पर ले कर जाएंगे और वहाँ से फैब्रिक बांधना शुरू हो जाएगा। इसको हम कहते हैं वार्प। बेसिकली ये फैब्रिक की एक साइड है, दूसरी साइड वो हमारा फैब्रिक उसको हम कहते हैं वेफ्ट। वेफ्ट हम लगाएंगे लूम पर और वार्प और वेफ्ट की इंटरलेसमेंट में से फैब्रिक बन जाएगा। बेसिकली ये वार्प है, इसमें से ऐसे वेफ्ट गुजरेगा तो ये आपका फैब्रिक बन जाएगा। ये अब हम आपको लेके जाएंगे लूम पर और फैब्रिक बनता हुआ दिखाएंगे कि फैब्रिक कैसे बनता है। तो चले मेरे साथ। अब हम आपको लेके जाएंगे टेक्सटाइल वीविंग की तीसरा स्टेज, मेन प्रोडक्शन एरिया, प्रोडक्शन हाउस, जहां हमारे पास मेन फैब्रिक बनता है। वहां शोर थोड़ा ज़्यादा होता है। बेसिकली मोस्ट नॉइजी एरिया ऑफ द वीविंग इज कॉल्ड वीविंग शेड। ये वार्प आ गया और ये वेफ्ट साइड पे लग गया। वार्प इंटरलेसमेंट और ये फैब्रिक का रोल है, इसको होल्डिंग में लेके जाएंगे। देखिए धागे से कपड़ा बन गया। चले आगे चलती है। अच्छा अंकल, कपड़ा तो बन गया, अब यहाँ पर क्या हो रहा है? ये बेसिकली फैब्रिक हो रही है ग्रेडिंग, कि जो फैब्रिक हमने बनाया है क्या वो फैब्रिक ए ग्रेड है या बी ग्रेड है, वो ओके है या नहीं है ओके है। तो बेसिकली फैब्रिक की यहाँ पे क्वालिटी चेक करते हैं कि फैब्रिक एज पर कस्टमर स्टैंडर्ड है या नहीं है। यहाँ उसकी हम बेसिकली इंस्पेक्शन करते हैं, ग्रेडिंग करते हैं और पैकिंग भी साथ साथ कर रहे हैं। ये टेक्सटाइल की चौथी स्टेज है, लास्ट स्टेज ऑफ वीविंग, कि जो फैब्रिक हमने बनाया उसकी इंस्पेक्शन करनी है कि जो चीज़ हमने बेसिकली वीविंग में तैयार की है वो बेसिकली एज पर कस्टमर स्टैंडर्ड है या नहीं है। यहाँ हम बेसिकली उसकी इंस्पेक्शन भी कर ली, रोल भी बना लिए, ये फैब्रिक रोल, और रोल वो आगे जाके हमने पैक भी कर लिया कि जो फैब्रिक हमने उठा के वही कस्टमर को शिफ्ट कर देते हैं। तो ये वीविंग की लास्ट स्टेज है। ये बेसिकली हमारे पास फोल्डिंग के फ्रेम हैं। यहाँ पे जो फैब्रिक हमारे पास वीविंग से बन के आया है उसकी इंस्पेक्शन करते हैं और एक एक मीटर हम चेक करते हैं कि क्या वो जो फैब्रिक है वो बेसिकली एज पर कस्टमर स्टैंडर्ड है या नहीं है।
तो ये फोल्डिंग फ्रेम्स पर आप कपड़ा चलता हुआ महिला कैमरे की आंख आपको दिखा सकेगी 10 से 15 मीटर पर मिनट इसकी स्पीड है, या मैक्सिमम 20 मिनट पर मिनट जो है ना, वो हम फैब्रिक इंस्पेक्शन करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं और पैकिंग भी कर लेते हैं। तो फैब्रिक हम यहाँ से पैक करके आगे गोदाम में शिफ्ट कर देते हैं और गोदाम से फैब्रिक उठा के आगे कस्टमर को भेज देते हैं। अगर कोई फॉल्ट हो तो क्या करते हैं? अगर तो कोई फॉल्ट हो, सबसे पहले कोशिश करते हैं उसको मेंड करने की, और अगर वो मेंडिंग ना हो तो वहाँ से वो फैब्रिक हम कटिंग करके निकाल देते हैं। निकाल के उसको बेसिकली फैब्रिक को बी ग्रेड कर देते हैं, आगे कस्टमर को नहीं देते। कस्टमर को हम फैब्रिक देते हैं सिर्फ ए ग्रेड, बी ग्रेड फैब्रिक हम कस्टमर को नहीं भेजते। वो हम अपने पास निकाल के उसको रिजेक्शन निकाल देते हैं और आगे कस्टमर को नहीं देते। तो फिर उसका क्या करते हैं? वो रिजेक्शन में सेल कर देते हैं ना, लेस प्राइस पे। अगर कपड़ा 200 रुपये मीटर है तो वो जो रिजेक्शन आपकी 1 या 2% निकली, महीने बाद उसको सेल कर देते हैं। वो कट पीसीज में आगे वो जाके जो है वो सेल हो जाती है, और उसके छोटे पीसीज में वो भी फैब्रिक सेल हो जाता है। वो आपने देखा होगा मार्केट में कि ये फैब्रिक 100 रुपये मीटर है, ये 500 है, ये 1000 है। तो जो फैब्रिक बी ग्रेड है या सी ग्रेड है, वो बेसिकली वो फिर प्राइस उसके बेसिक अकॉर्डिंगली लगती है। आप तो यहाँ जॉब करते हैं, आपको तो कपड़े फ्री मिलते होंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। हम फैब्रिक बनाते हैं और बना के मार्केट में सेल कर देते हैं, और किसी भी बंदे को अलाउ नहीं है कोई फैब्रिक देना, वे बेसिकली कंपनी पॉलिसी नहीं है। प्लस ये जो फैब्रिक है ये पहनने के काबिल नहीं है। अभी ये फैब्रिक डाई में जाएगा, डाई प्रिंट होगा, सॉफ्ट होगा, फिर ये होगा रेडी टू स्टिच। अभी बेसिकली इस स्टेज पर किसी को कंपनी कपड़ा दे भी दे तो वो बेसिकली उस बंदे के लिए यूज़लेस है। तो ये कपड़ा यहाँ किसी को हम दे ही नहीं सकते, ना देने की पॉलिसी है, और अगर कोई किसी को दे भी दें तो वो यूज़लेस है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अब मेरे साथ साद अंकल मौजूद हैं, तो साद अंकल ये बताएं कि ये क्या बात दुरुस्त है कि फैसलाबाद में फैक्ट्रियों को मजदूर नहीं मिल रहे? जी किसी हद तक, क्योंकि पिछले जो कोविड के बाद तकरीबन सूरत हाल ये थी कि बहुत सी फैक्ट्रियाँ बंद हो गई थी, बट स्टार्टिंग फ्राम नवंबर अब हमारे पास एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स और लोकल ऑर्डर्स, उनकी सूरत हाल काफ़ी बेहतर हो गई है, जिसकी वजह से जो एम्प्लॉज़ पहले अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ थे, इस टाइम पे वो सारे एम्प्लॉयमेंट पे हैं। जब फैक्ट्रीज चलेंगी तो नो डाउट पीछे आपको वर्कर्स की शॉर्टेज तो आएगी, क्योंकि बहुत से लोग अब टेक्सटाइल की थोड़ा सा इस तरह का फील्ड है जिसमें आपके एम्प्लॉय कम मिलते हैं, उस वजह से इस टाइम पे ऑर्डर्स की हमारे पास होने की वजह से शॉर्टेज है वर्कर्स की। अच्छा ये बताएं कि इंडस्ट्रियल एरिया को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट ने कितना सपोर्ट किया? देखिए जी, इस एरिया को गवर्नमेंट की डेवलपमेंट में काफ़ी रोल रहा है इस जगह पे। अदरवाइज़ आप अगर कहीं बाहर किसी जगह पे हो तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं होता, गैस कनेक्शन की प्रॉब्लम है, यहाँ पे हमें ये फैसिलिटी गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड हुई है। इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, यहाँ पे गैस अवेलेबिलिटी इंश्योर की गई है, वापडा का कनेक्शन इंश्योर किया गया है, तो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी कि अगर यहाँ पे आप इंडस्ट्रियल एरिया में फैक्ट्री लगाएं तो। इस वक्त एक्सपोर्ट कैसे चल रही हैं? इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह जी एक्सपोर्ट्स बहुत अच्छी हैं ओवरऑल, स्पेशली टेक्सटाइल के हवाले से, और पाकिस्तान इस टाइम पे एक्सपोर्ट में बहुत बेहतर जा रहा है। आप क्या स्कोप देखते हैं आने वाले दिनों में एक्सपोर्ट्स का? देखिए हम तो एक्सपेक्ट करते हैं कि ये ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा। हैविंग सेड दैट, बेसिकली ये जो आपका दिसंबर जनवरी होता है ये निस्बतन स्लो सीजन होता है, बट दिस ईयर ये एक्सपोर्ट बेहतर रही है और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये कंटिन्यू करेगा आगे। कुछ डिमांड्स हैं आपकी गवर्नमेंट से मज़ीद? हमारी हमेशा से एक ही रिक्वायरमेंट रही है कि जो गैस और बिजली की सप्लाई है वो हमें रूटीन से मिलनी चाहिए, और जो इंटरनेशनल रेट है उन्होंने हमारे से एग्री किया है उसके ऊपर हमें सप्लाई मिलनी चाहिए उस चीज़ की। थैंक यू सो मच। थैंक यू, वेलकम।